इमरान खान मकबूल तरीन वजीर आजम है, ग्रेट एथलीट हैं, पाकिस्तान में अब एक अजीम लीडर है, अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की खुलकर तारीफ करते हैं, पाकिस्तानी कौम इंतहाई बासलाहियत है। ये मैं एक एंकर किरण नाज या कोई तजियाकार या कोई हुकूमत का हामी या कोई पीटीआई का सपोर्टर नहीं, बल्कि सबसे ताकतवर मुल्क का सबसे ताकतवर सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इमरान खान एक मकबूल तरीन और अजीम लीडर है। पाकिस्तानी गयूर कौम की चाहत के कोई ऐसा लीडर जो सुपर पावर की आंखों में आंखें डाल कर बात करे, एतमाद का वो आलम हो कि पूरी कौम की तर्जुमानी हो। लीडर जब दूसरे सरबराह के रूबरू हो तो तासुर ये ना जाए कि किसी डरी सहमी या महरूम कौम का सरबराह हो, बल्कि महसूस हो कि उस कौम का सरबराह आया है जो किसी को भी जेर कर सकता है। और बिलाशुबा पाकिस्तानी कौम की ये चाहत गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने जिस एतमाद और बेबाक तरीके से पूरी की है, कौम फूले नहीं समा रही है। माफ़ कीजिएगा, हमने वो लीडर्स भी देखे हैं जो डरे सहमे, पानी पीते, पर्ची पर्ची खेलते, सिफारती आदाब के चक्कर में बार बार हाथ मिलाते, नशस्तों बर्खास्त पर घबराते घबराते, दौरान गुफ्तगू चेहरे के उतार चढ़ाव से उलझन वाजे करते, सवाल के जवाब पर्चियों में ढूंढते, मेजबान कंधे पर हाथ रखे तो हाथ बांधे दरबान की तरह खड़े दिखाई देते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त है, अमरीकी सदर दरवाजे पर खड़े वजीर आजम पाकिस्तान का इंतजार करते ऐसे दिखाई देते हैं जैसे इमरान खान के दरबार का एक दरबान हो। हाथ मिलाने के लिए इमरान खान को पहल नहीं करनी पड़ती, सुपर पावर खुद हाथ बढ़ाता है कि वजीर आजम पाकिस्तान हाथ ही मिला लें। दुआ है कि जिस गैरत और एतमाद का मुजाहरा कल वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से किया गया, वतन अजीज उसी जज्बे और लगन के साथ आगे बढ़ता रहे। हम जले दुश्मन जले, यहाँ कौम खुश और पड़ोस में आग लगी हुई है। मोदी जी 4-0 स्कोर है आपके और खान साहब के मुकाबले का, इतनी बड़ी रियासत।